नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैट जीपीटी के बारे में बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे सवाल आते हैं कि भाई ये क्या हमारे जॉब को के लिए रिस्क है या हमारे लिए सरदर्द बना हुआ है, हमको आगे क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा। क्या इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? नहीं दोस्तों, हम एक्चुअली इसको हर चीज को अगर पॉजिटिव वे में ले तो हमारे लिए एडवांटेज बन सकता है। तो आज जो हम समझने जाएंगे, मैं आपको थोड़ा अपना एजेंडा से वाकिफ करा दूं कि आज हम क्या देखेंगे। आज हम देखेंगे कि कैसे चैट जीपीटी और गूगल सर्च में क्या अंतर है, कैसे एफिशिएंटली हम चैट जीपीटी को अपने कार्य क्षेत्र में, जहां भी हमको कुछ भी डे टू डे सवाल आते हैं, कुछ भी आते हैं, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और क्या मुझे जॉब से लेके आगे फ्यूचर को लेके मुझे कोई इस पर्टिकुलर चैट जीपीटी से या एआई से कोई परेशानी है क्या। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल जाएंगे कि भाई क्या है डिफरेंस गूगल सर्च और चैट जीपीटी में। शायद आप लोग को मोस्टली पता होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट करके दिखाना चाहता हूँ, जिससे किसी भी दोस्तों, मतलब जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उनको कोई किसी प्रकार की समस्या ना आए, वो एक बार में समझ लें। तो दोस्तों, जब भी कुछ हमको, अगर आप आज से 10 साल पहले, नौ मतलब 2 साल पहले भी सोचें, तो आप या आज भी कुछ लोग इतना ज्यादा फेमिलियर हैं गूगल सर्च से कि कुछ भी आता है तो सबसे पहले टाइप करते हैं गूगल सर्च में और फाइंड करते हैं कि भाई ये चीज क्या है। आज हमको कुछ भी आता है तो हम सीधे गूगल सर्च पे जाते हैं और देखते हैं, क्योंकि हम इतना ज्यादा फेमिलराइज नहीं है चैट जीपीटी से, जो कि हम होना चाहते हैं। तो मेन अंतर क्या है दोस्तों? दो मेन अंतर ये है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने सर्च कर लिया कि भाई कैसे हैश मैप, ये जस्ट एग्जांपल लिया, हाउ टू क्रिएट एन हैश मैप इन जावा, या मुझे कहीं जाना है तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू ट्रैवल टू लंदन, या व्हाट आर द चीपेस्ट फ्लाइट्स फॉर लंदन, राइट? तो मैं सबसे पहले यहाँ पर टाइप करता था और मेरे को ये 10 चीजें, 50 चीजें, जो भी लिंक्स हैं, मेरे को ये इसने दी हैं कि मैं पूरे ये पूरे सर्च इंजन में जाके घूमता है, जहां भी कैसे में इसको ये सारे आंसर्स पड़े मिले रहते हैं, उठा के लाके दिखा देता है फटाफट। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर, अभी भी इसमें ये समस्या है कि इसमें मेरे को हर लिंक पे जाके चेक करना पड़ेगा कौन सी लिंक मेरे लिए सबसे पॉजिटिव, सबसे ज्यादा मेरे क्वेश्चन को आंसर कर रही है क्लोजली, राइट? बट इसमें गूगल में ऐसा नहीं था कि मैं एक क्वेश्चन पूछूं और उसका मेरे को डायरेक्ट आंसर मिल जाए। जैसे मान लीजिए कि मैं बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता हूँ कि और मैं क्योंकि जानता हूँ कि सब टेक्नोलॉजी वाइज, सब जो भी मेरे वीडियोस को देखते हैं वो टेक्नोलॉजी सेवी है या नहीं भी है, तो मैं उनको जैसे अजाइल, स्क्रम, जो भी चीज पढ़ते हैं, मान लीजिए कि मैं एकदम एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ कि हाउ टू यूज जीरा टूल टू क्रिएट यूजर स्टोरी। तो अगर मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया, तो ये देखिए, ये जो है ये आंसर आपको लेके आएगा, लेकिन ये एक लिंक पे लेके जाएगा जहाँ पे आपको फिर से जाके चीजें देखनी है, यहाँ पर आपको और डिटेल्स में देगा, जो कि किसी पर्टिकुलर लिंक, यूट्यूब का लिंक दे दिया उसने डायरेक्टली कि भाई कहाँ जाके, यहाँ पर जाके विजिट करो और फिर जाके देखो हर एक चीज, जाके आप एक लिंक पे क्लिक करो और फिर आपको देखना पड़ता था। लेकिन आज जो चीज चैट जीपीटी ने सॉल्व की है, तो मैं क्या आपको सजेस्ट करूंगा, आप जाइए, आप सीधे chat.openai.com पे जाइए और यहाँ पर साइन अप कर लीजिए। तो इसमें दोस्तों क्या अंतर है इसका गूगल सर्च और इसमें, और ये फ्री है, एटलीस्ट 3.5 तो फ्री है, हो सकता है 4 आपको आगे के जो चैट जीपीटी आ रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत बहुत आपके एकदम रिक्वायर्ड क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं, हो सकता है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी हो जाए। बट आप 3.5 पे जाके देखेंगे और आपको सेम क्वेश्चन अगर टाइप करते हैं कि भाई हाउ टू यूज जीरा टू क्रिएट यूजर स्टोरीज, तो शायद आपको इसके लिए 10 लिंक्स, 50 लिंक्स उसको देखने की जरूरत ना पड़े, सीधे सीधे ये बताएगा एक ही आंसर में, अगर उसको क्वेश्चन समझ में आ गया है कि भाई ये क्या होता है, कैसे इसमें आप जाके यूजर स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। और सेम चीज जाके आप जब एटलेसियन, फ्री एटलेसियन को जाके ओपन करेंगे, आप अगर यही चीज करने लगेंगे तो आपको जाके समझ में आ जाएगा। जैसे लॉग इन टू जीरा, नेविगेट टू द प्रोजेक्ट, मतलब ये क्या बता रहा है कि आप जैसे मान लीजिए एटलेसियन, अगर मैं एटलेसियन सॉफ्टवेयर, जीरा का जो सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री सॉफ्टवेयर है, अगर मैं उसको यूज करता हूँ, हो सकता है मेरे इसका सब्सक्रिप्शन भी खत्म हो गया हो, लेकिन मैं स्टिल जाके चेक करता हूँ आपके लिए, जो जो इसने अपने को ऑप्शन बताए हैं हम वैसा वैसा करके देखेंगे। गेट जीरा फ्री,
गूगल से जाते हैं अपन, मान लो, और साइन अप विद गूगल, तो ये अपने अकाउंट से गया मैं। ओके, मेरा नाम ले लिया इसने, योर साइट का नेम अमित। ठीक है, तो ये मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई कैसे हमको इसको यूज करना है, कैसे फ्री जो उसने आंसर दिया है क्या हमारे लिए करेक्ट है कि नहीं है, हम जस्ट ये देखना चाहते हैं। तो हम इसमें जैसे जैसे चैट जीपीटी ने बोला होगा वैसा वैसा करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। सेटिंग अप योर रिपोर्ट, सॉरी थोड़ा सा डिले हो रहा है इसके कारण, बट मैं आपको पूरी तरह से इसको फैमिलियराइज करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं जस्ट ये दिखाना चाहता हूँ। वैसे तो आप लोग को, मोस्टली लोग को जो मेरे स्क्रम अजाइल प्लेलिस्ट से जुड़े हैं, उनको पता है कि भाई जीरा कैसे यूज करना है, क्योंकि मोस्टली वो वाला सबसे ज्यादा फैमिलियराइज या सबसे ज्यादा व्यूड वीडियो है जीरा कैसे यूज करना है। तो उसके अलावा भी हम देख लेते हैं कि जैसे कैसे, मान लीजिए कि मेरे को जब तक ये जीरा इंस्टॉल हो रहा है या चीजें हो रही हैं, मैं आपको दूसरी चीजें दिखाता हूँ जहाँ पे आप बोलोगे कि आपको ये अंतर समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए मुझे अगर जावा यूज करना है, क्योंकि अपन टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, तो हम ये देख लेते हैं कि अगर जावा यूज करना है तो हाउ टू स्टार्ट वर्क ऑन जावा। तो देखिए, फिर ये आपको 10 एग्जाम्पल या 10 लिंक्स देगा कि क्या करना है क्या करना नहीं चाहिए, बट ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल था, हम इसको नमस्कार करते हैं। ये हमारे गूगल गुरु है, जहाँ पे हम सर्च कुछ भी करें और हमको चीजें मिलती थी। आज तक हम इसका यूज करते आ रहे थे, इसको इसलिए अब इसको ये नहीं बोल सकते कि ये बिल्कुल ही बेकार है, हमको जरूरत नहीं है इसकी। नहीं, हम हमेशा इसके लिए इसके आभारी भी रहेंगे दोस्तों, कि भाई कैसे ये इसने हमको सारी चीजें प्रोवाइड की, कैसे वैलिडेशन सिखाया कि हम कोई चीज अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर हम जाके गूगल में जाके वैलिडेट कर पाते थे। पहले तो कुछ भी नहीं था, उसके बाद वैलिडेट कर पाते थे गूगल सर्च में जाके कि भाई ये चीजें सही है कि नहीं। लेकिन चैट जीपीटी आप एक इसको स्पेसिफिक आंसर देगा, जैसे मैंने सेम क्वेश्चन लिख दूं यहाँ पर, हाउ टू स्टार्ट वर्किंग विथ जावा। तो ये आपको बताएगा कि कैसे आपको जावा से स्टार्ट करना है, क्या सेटअप करना है, कौन कौन से एनवायरनमेंट चाहिए, क्या आपको चाहिए जिससे आप इसको बेसिकली जाके सीधे जाके काम कर सकें, राइट? तो ये सारी चीजें आपको दे देगा। तो ये वो सारी चीजें एक ही आंसर में लिख के दे देगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो मैं ये देखिए, ये अपना एटलिस्ट भी सेट हो गया है। तब तक मैं आपको ये बता दूं, जावा जैसे आप मान लीजिए कि इसने ये सब चीजें बता दी, तो मैं बोलूंगा डाउनलोड एंड इंस्टॉल द जावा डेवलपमेंट किट। अब भाई मेरे को नहीं पता, अब मैं नया एकदम नया बंदा हूँ जावा में, तो मुझे नहीं पता कि जावा डेवलपमेंट किट क्या होता है। तो मैं पूछूंगा व्हाट इज देयर इन जावा डेवलपमेंट किट। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन भी हमको जब बोलते हैं ना, जैसे टीचर से, तो हम क्लास में कोई जजमेंट ना करे कि मेरे को कुछ नहीं आता, इस टाइप से हम पूछते नहीं है। लेकिन ये तो आपका एक पर्सनल स्पेस है, यहाँ आपके जो लिखना है, आपके दिमाग में क्या आता है, जावा सी क्या है, जेआरई क्या है, जेवीएम क्या है, हर चीज पूछिए दोस्तों, क्योंकि ये एक आपको पर्सनल जगह दे रखी है। किसी जो आदमी जैसे ज्यादा वोकल, कई लोग वोकल होते हैं कई लोग वोकल नहीं होते हैं, तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है कि वो जाके क्वेश्चन पूछे और देखें कि आपको आंसर क्या मिल रहा है, और आप इसको अपने वर्क प्लेस में भी काम में ला सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रखिए, वर्क प्लेस में जब भी काम ले रहे हैं ये चैट जीपीटी से, आपके काम, आपकी कंपनी का कोई भी डेटा इसमें मत डालिए, आपकी सर्विसेज जो आप इंटरनली यूज करते हैं उसमें मत डालिए, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, अभी जैसे ये क्वेश्चन हमने किया कि जावा डेवलपमेंट किट में क्या क्या आता है, तो उसने ये आंसर दिया कि भाई रन टाइम इन्वायरमेंट है, जेआरई है, जावा सी है, जेवीएम है, जावा टूल डेवलपमेंट टूल किट्स हैं, टूल्स हैं। तो ये सारी चीजें आपको इसने बताई। अब मुझे मान लीजिए कि एक जावा का छोटा सा प्रोग्राम रन करना है और देखना है कि मैं चाहता हूं कि वो कोड ही मुझको लिख के दे दे जावा का। तो मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन लिखूंगा उसको राइट, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि अगर आपकी जब भी आप काम कर रहे हैं ऑफिस में,
तो आपको कोई ना कोई रिक्वायरमेंट देता है, भले ही वो बिजनेस एनालिस्ट हो गया, आपका प्रोडक्ट ओनर हो गया, आपका सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हो गया, वो आपको एक रिक्वायरमेंट देगा और एज ए डेवलपर और टेस्टर आप उस पर काम करेंगे या इंप्लीमेंट करेंगे या फिर उसकी टेस्टिंग करेंगे। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट क्लियर है तो यू कैन डू इट इजिली, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है तो आप फिर दोबारा उससे क्वेश्चन पूछेंगे। तो सेम हो रहा है चैट जीपीटी के अंदर दोस्तों। अगर आपने मान लो कोई क्लैरिटी में आपने रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं डाली और उसको हम कुछ भी पूछ, अच्छा जैसे मैंने पूछ लिया कि हु इज अमित गोयल, अब इसका तो भाई आंसर शायद ये इस टाइप से देगा कि भाई आप थोड़ा स्पेसिफिक बताइए, क्योंकि ये कि अमित गोयल तो एक रिलेटिवली कॉमन नेम है और इसके बारे में उसको कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं मिल रहा है, तो वो कैसे आपको बताए इसका आंसर, राइट? तो आपका क्वेश्चन हमेशा हमेशा बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं कि राइट जावा कोड टू एड टू नंबर्स एंड गिव मी रिजल्ट। तो आपने उसको एक क्वेश्चन दे दिया कि भाई मेरे को जावा कोड लिख के दे दे जो दो नंबर ले और मुझको रिजल्ट दे दे। तो दो नंबर, तो अब वो जावा का कोड लिख देगा कि भाई जैसे मान लीजिए उसने दो नंबर कोई से भी ले लिए, लेकिन कौन से, इंटीजर न्यूमेरिक 5 और इंटीजर न्यूमेरिक 2, उसने 10, उसने दो नंबर ले लिए, उनको ऐड किया, ये कोड आप रन करेंगे अपने जावा अपने एनवायरमेंट में आईडी में, तो आपको रिजल्ट रिस्पॉन्स मिल जाएगा 15। तो ये दो नंबर उसने आपको स्पेसिफिकली आपने रिक्वायरमेंट दी थी, लेकिन उसने अपने हिसाब से 5 और 10 ले लिया। अब इसको और बेटर वे में कैसे आप क्वेश्चन कर सकते हो जिससे आपको और अच्छा कोड लिख के दे वो? तो यही है कि रिक्वायरमेंट अगर क्लियर होगी तो चैट जीपीटी आपको परफेक्ट आंसर लाके देगा। जैसे मान लीजिए कि इस क्वेश्चन को मैं चेंज करके थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ कि लेट मी टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, है ना? तो अब मैं इसमें क्या लिखूंगा, राइट जावा प्रोग्राम टू गेट टू नंबर्स फ्रॉम यूजर्स एंड एड दोस टू नंबर्स एंड प्रिंट। तो अभी जो ये कोड लिख के देगा उसमें क्या करेगा, इसमें हमको 5 या 10 उसने जो लास्ट कोड में लिया था वो नहीं लेगा, इसमें हमारे स्कैनर क्लास यूज होगी, और जो वो स्कैनर क्लास क्या करती है आप जानते ही हैं दोस्तों कि वो यूजर से इनपुट लेती है। यूजर से देखिए इनपुट कैसे लेती है, एंटर फर्स्ट नंबर यूजर इनपुट करेगा, एंटर सेकेंड नंबर यूजर इनपुट करेगा, और फिर उसका सम करेगा और वो अपने को प्रिंट करके दिखा देगा। तो ये जो है इस टाइप से वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपको डालने पड़ेंगे तब जाके आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। अब जैसे जीरा का जो क्वेश्चन था, जो हमने क्वेश्चन पूछा था कि भाई मुझे एक यूजर स्टोरी लिखनी है तो मैं कैसे जीरा टूल को यूज करूं, तो उसने जीरा पहले तो लॉग इन टू जीरा, तो हमने लॉग इन कर लिया जीरा में, ठीक है। अभी सॉरी मैं ये करके, अभी उसने अपने को नेम योर प्रोजेक्ट, हाँ अभी देखिए यहाँ पर चैट जीपीटी में क्या बोला उसने, लॉग इन टू जीरा नेविगेट टू द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट बना लो एक टेस्ट चैट जीपीटी फैमिलियर, नेक्स्ट गेट स्टार्टेड। तो अभी अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने हमने उसको जस्ट उसको फॉलो कर रहे हैं कि भाई उसने क्या क्या बताया। तो लॉग इन टू जीरा नेविगेट टू द प्रोजेक्ट, मैं मेरे प्रोजेक्ट में आ गया हूँ, ये गलती से मैंने कैनमैन प्रोजेक्ट बना लिया, स्क्रम प्रोजेक्ट भी बना सकते थे आप। और उसके बाद चूज अ राइट इशू टाइप, अभी इशू टाइप चूज करना है, क्रिएट इशू टाइप, तो यहाँ से इशू टाइप क्रिएट कर लीजिए। राइट इशू टाइप क्या है, मतलब इशू टाइप इज दिस, तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई एपिक है तो एपिक बना लीजिए, नहीं तो कि ठीक है आपका एक एपिक बन गया। अब इसके अंदर चाहिए तो आप कोई स्टोरी बनानी है तो
शायद इसमें हमको प्रॉब्लम आ रही है, हम नए प्रोजेक्ट में जाते हैं, प्रोजेक्ट व्यू ऑल प्रोजेक्ट्स टेम्पलेट्स, जीरा सॉफ्टवेयर, ओके मोर एक्शंस प्रोजेक्ट एप्लीकेशन एंड टीम्स, कुछ तो मेरे से गलती हो चुकी है। लेकिन इसको हम, कोई बात नहीं, हम चैट जीपीटी में जाएंगे। चूज द राइट इशू टाइप इन द जीरा यूजर स्टोरीज आर ऑफन रिप्रेजेंटेड एज इश्यूज डिपेंडिंग ऑन फिल इन डिटेल्स। ओके समहाउ आई थिंक ये कैन बैन, ओके मे बी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हमको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जहां से ये यहाँ पर हमको स्क्रम दिखने लगे। एनीवे, तो ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है जो कि मैं बता रहा हूं कि भाई इसमें आपको पूरी तरह से डिटेल मिल जाएगा और उसके बाद आपको जो करना है कर सकते हैं। अब एक और थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे एपीआई के बारे में आता रहता है, राइट? तो ये जैसे मान लो आपको एपीआई कॉन्ट्रैक्ट लिखना है किसी का, तो आपको कैसे वो एपीआई कॉन्ट्रैक्ट लिखना है ये भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता दूं, जिससे आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाए कि भाई ये चैट जीपीटी कितना बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए कि कोई एपीआई कॉन्ट्रैक्ट भी आप लिख सकते हो। तो मान लीजिए कि मैं बोलता हूँ इसको राइट एपीआई कॉन्ट्रैक्ट टू टेक यूजर्स फोन नंबर इन रिक्वेस्ट एंड प्रोवाइड यूजर डिटेल्स एज रिस्पॉन्स। तो वो कितने अच्छे से ब्यूटीफुली हमको एपीआई कॉन्ट्रैक्ट बना के देगा और किस टाइप, क्या क्या से, और इससे आप ये भी सीखेंगे कि हमको बाकी चीजों में भी कैसे इसको यूज करना चाहिए दोस्तों, कि हमको प्रॉपर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मिले और हम समझ सकें भी कि भाई इसको कैसे यूज करना है बाकी एपीआई में भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी एपीआई में। तो मान लीजिए देख लीजिए, ये देखिए, तो उसने क्या किया, एपीआई कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्जाम्पल दे दिया कि भाई ऐसा आप एक ओपन एपीआई बनाए, उसमें उसके अंदर आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया आपने कि गेट यूजर डिटेल बाय फोन नंबर रिट्रीव, इसका क्या काम है, एक फोन नंबर पास करेंगे और हमको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए कि भाई यूनिक आइडेंटिफायर, डिस्क्रिप्शन, नेम ऑफ द यूजर, फोन नंबर ऑफ द यूजर, ईमेल एड्रेस ऑफ द यूजर, यूजर नॉट फाउंड। अगर 200 नहीं आया, अगर HTTP रिस्पॉन्स 200 नहीं आया, 404 आया, तो यूजर नॉट फाउंड। तो ये इस टाइप से इस लेवल का वो उसने डिटेल्स लाके दे दिया कि भाई मेरी एक एपीआई है जिसको गेट यूजर एपीआई फोन नंबर एपीआई, यूजर स्लैश फोन नंबर आपका एंड पॉइंट हो गया, आपका जब ये क्वेरी मार, जब ये एंड पॉइंट कॉल होता है तो आप फोन नंबर पास करते हैं इसके अंदर एज अ पैरामीटर, और वो आपको रिस्पॉन्स ला के दे रहा है उसके बारे में कि ये फोन नंबर पास करोगे तो उसके लिए उसका आईडी क्या है, नेम क्या है, फोन नंबर क्या है, ईमेल क्या है। इस टाइप से आपको पूरा एपीआई का डिटेल मिल जाएगा। और इसको देखना चाहते हैं तो राइट एपीआई स्पेसिफिकेशन टू गेट यूजर्स फोन नंबर एंड प्रोवाइड यूजर डिटेल्स। इसने और स्पेसिफिक डिटेल्स दे दिए कि भाई ये मान लो ये फोन नंबर आपने पास किया एज एन एग्जाम्पल, तो इस फोन नंबर के लिए आपको कौन कौन से आपके आउटपुट मिल रहे हैं, और इसमें एक और चीज सिक्योरिटी भी आप ऐड कर सकते हो, हाउ टू क्रिएट माय एपीआई टू बी सिक्योर्ड विथ एग्जांपल ऑफ पासिंग मोबाइल नंबर ऑफ यूजर एंड गेटिंग डिटेल्स।
तो ये आपको बताएगा कि भाई सिक्योरिटी के लिए आपको अपनी एपीआई में क्या इंक्लूड करना चाहिए जिससे आपको उसके बारे में पूरा डिटेल मिले। तो मतलब आप ये सिक्योर्ड रहें कि आपने जो भी रिक्वेस्ट किया है कॉल, उसका जो रिस्पॉन्स आया है, कहीं भी कुछ अनऑथराइज, सब कुछ ऑथराइज है, अनऑथराइज कुछ नहीं है। तो उसके लिए आपका जो JWT भी, उसने जो WT टोकन भी उसने ऑथराइजेशन में एक्सपेक्ट किया है कि JWT टोकन इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रोवाइड इन द ऑथराइजेशन हेडर ऑफ द रिक्वेस्ट। मतलब यहाँ पे आपका ऑथेंटिकेशन हेडर जो है JWT auth, यहाँ पर आपको यहाँ से टोकन जाएगा, वो वैलिडेट होगा, देन ओनली आपका ये रिस्पॉन्स आएगा। तो वो विच वे, इसका मतलब ये हुआ कि ये सिक्योर्ड JWT ऑथेंटिकेटेड एंड पॉइंट हो जाएगा, जहाँ की यह लिखा द एंड पॉइंट इज सिक्योर्ड यूजिंग JWT ऑथेंटिकेशन। आपको पता ही होगा दोस्तों कि हमको हर चीज बहुत सिक्योर रखनी पड़ती है अपने ऑथेंटिकेशन में। तो ये सारी डिटेल आपको समझना है, पढ़ना है, तो ये सब कुछ आपको ChatGPT एक ही आंसर में आपको रिस्पॉन्स देगा जब आप उससे करेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे। तो इस चीज को आप नेगेटिव वे में ना लें कि भाई ये ChatGPT आया तो आपका पूरा जॉब ये वो निकल जाएगा। नहीं, इसको यूज करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। हम इतने 20 साल से हम गूगल सर्च यूज कर रहे हैं, हम अभी भी तक अपनी कोडिंग कर रहे हैं, हम अभी तक अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं, राइट। तो ChatGPT का ये मतलब नहीं है कि आपका काम हट गया या बिजनेस वाला बंदा बैठ के आपकी टेक्नोलॉजी वाली क्वेश्चंस पूछ पा रहा है। ये क्वेश्चंस आप ही पूछ सकते हैं और आप ही इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए डू नॉट वरी अबाउट दिस। आप अपना मन लगा के सिर्फ अपने चीजें नॉलेज सीखते रहें, चीजों को अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें और अपने कार्य क्षेत्र में प्रॉपरली काम करते रहें। कोई आपसे आपका जॉब नहीं छीनने वाला है अनलेस यू आर वेरी क्लियर इन योर माइंड विद द रिक्वायरमेंट एंड द क्वेश्चन यू वॉन्टेड टू आस्क टू ChatGPT। थोड़ा अंग्रेजी ज्यादा बोल दिया, सॉरी फॉर दैट, बट ये आप अपने ध्यान में रखिए। हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। आपको लगता है कि कई क्वेश्चन हैं जो कि आपको लगता है कि इससे आपसे क्वेश्चन नहीं बनाते बन रहा है, या कुछ इस टाइप की चीजें हैं जो कि आपको पूछनी है और डिटेल में जाननी है कि कैसे मैं, मान लीजिए कि पूरा का पूरा जावा इससे एक बार मैं ChatGPT से सीख सकूं, बिल्कुल बेसिक से, कि भाई जावा होम भी नहीं मेरे को सेट करते आता, या मुझे कैसे पाथ वेरिएबल दिखते हैं, कैसे मुझे हीप मेमोरी दिखती है, कैसे मैं मेमोरी को पढ़ पाऊं, कैसे सीरियलाइजेशन डिसीरियलाइजेशन होता है। हम वो सारी चीजें इसके साथ बैठ के बातचीत करके इससे चीजों का आंसर ले सकते हैं। दोस्तों आप मैक ओएस एक्स पे काम कर रहे हैं, आप विंडोज पे काम कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन, पूरा प्रॉपर क्वेश्चन पूछिए और आपका रिस्पॉन्स आपको प्रॉपर मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को इस वे में लें कि भाई कैसे अभी तक हम गूगल को गुरु मानते थे, हम ChatGPT को भी अब गुरु मानते हैं, जो कि हमको कुछ अच्छे नॉलेजफुल रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। आप बेसिक, आपको मान लीजिए कि कोई पर्सनल क्वेश्चन कि मुझे प्लीज हेल्प टू क्रिएट एन आइटनरी टू विजिट लंदन फ्रॉम सिंगापुर, तो ये आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो बेस्ट पॉसिबल आइटनरी है वो बना के दे देगा कि भाई ये अराइवल इन लंदन कब है, एक्सप्लोर सेंट्रल लंदन, म्यूजियम कौन से अच्छे हैं वहां पे, कहाँ जाना चाहिए, पूरा आइटनरी डे वाइज, 1 डे 2 डे 3 डे के हिसाब से देखिए आप बन रही है ये हमारी। तो इस टाइप से ये इतना यूजफुल है दोस्तों कि आप इसका मैजिक अपने खुद के घर पे, अगर आपको कुछ चीज ढूंढनी है, कुछ चीज फाइंड करनी है, कैसे करना है, बेसिक पर्सनल क्वेश्चन भी आप इसमें डालेंगे, अगर उसके रीच पे होगा वो, तो वो डेफिनेटली आंसर देगा। अब ये देखिए 7 दिन का मेरे को आइटनरी मिल गया है, अब मैं तो घूमने जा रहा हूँ भाई। आप लोग ChatGPT को एक्सप्लोर करिए, पढ़िए, इंजॉय करिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।